हो गई है आज। ये जो मेरा ड्रोन था इसका देखिए, ये यहाँ दिखाते हैं आपको, ये इसकी विंग्स टूट गई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा ने मेरा चिप्स खा लिया है, ये देखिए पूरा चिप्स मेरा खा लिया इन लोगों ने। ए बेटा पूरा चिप्स मेरा खा गए ये सब, भागो यहाँ से, भागो भागो। क्या करता भैया, आज आप कहाँ जा रहे हैं? I'm going to a very secluded place. Secluded? Which is only meant for lovers. स्टार्ट कर दी है अपने जर्नी। इलाहाबाद से अराउंड 71 किलोमीटर है और आज हमारे अनिल भैया हमारे साथ हैं और सिद्धू बैठे हुए हैं। बताइए आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? We are going towards Devkatar. This is a very, very secluded kind of place. Meant for only people who want to be in seclusion, complete seclusion. They want a lot of good time, good company, and good cheer. And if they want, they can have the others, which may follow thereafter. It's up to them what they wish to have. The place is wonderful. It's absolutely out of the ordinary. यहाँ से नैनी के लिए राइट लेंगे, सिविल लाइन्स की तरफ से हम लोग आ रहे हैं भैया। और ये न्यू ब्रिज है नैनी का, हैंगिंग ब्रिज इसको कहते हैं। उधर से जाएंगे एग्रीकल्चर की तरफ। हम लोग अब सोहागी पहाड़ी की तरफ निकल रहे हैं और जो रास्ता आपको बीच का और हिस्सा दिखाएंगे वो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में दिखा रखा है, तो लिहाजा उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग नया आपको दिखा रहे हैं, पूरा नए सिरे से सोहागी दिखाएंगे, आपको सोहागी अब आपको दिखाया जाए ताकि आपको एक नया रूप इस ब्लॉग का मिल सके। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं हो सकता है कि बहुत गर्मी हो। हाँ, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ हो सकता है कि बहुत गर्मी हो, मगर तब भी हम लोग उसको शूट करेंगे। शूट करेंगे हम लोग उसको भी शूट करके आपके। Just entered MP. 1 kilometer.
भैया हम लोग पहुंचने वाले हैं. वी आर अबाउट टू अराइव एंड अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम हियर इज द प्लेस वेयर वी एक्चुअली आर हेडिंग फॉर. बहुत लोनली प्लेस है. वेरी लोनली एंड अ ह्यूज लैंडस्केप एंड द कलर ऑफ द सॉइल इज रेडिश एंड वेरी डिफरेंट टू द उत्तर प्रदेश सॉइल. दिस इज बुद्धिस्ट स्तूपा है जहाँ पे हम लोग आना चाहते थे और है तो बहुत सुंदर जगह. इसकी ये मेन एंट्री है और यहाँ पे बना है रेस्टोरेंट भी. ये ड्रोन उड़ पाएगा कि नहीं यहाँ पे, मगर तब भी कोशिश करते. देखिए इसके विंग्स ऐसे ही घूम रहे हैं. बहुत ज़्यादा विंड है. कोशिश करते हैं अगर ड्रोन शॉट आए अच्छा सा तो दिखाते हैं आपको. ये देखिए पीछे कितना अच्छा. यहाँ कितना ठंडा है ये. अरे ये केव है. ये देखिए ये जा रहा अंदर, जैसे लग रहा गिर जाएगा ये. कितना ठंडा है ना. ये देखिए केव जा रहा है ये अंदर पूरा. अरे बाप रे बाप. ये देखिए अंदर बहुत अंदर गया है ये. हाँ एनाकोंडा. बहुत अच्छा लगा. ये केव है यहाँ पे पीछे और ये वैली है पूरा. इस पत्थर पे हम खड़े हैं ये शायद वैली में नीचे ही है और अगर गिर सकती है. पूरा ये वैली है. यहाँ पे 45 डिग्री है इस समय, मगर ये जिस प्लेस में हम खड़े हुए हैं यहाँ पे ये पूरा रॉक है और उसके नीचे ये रॉक है, मगर इतना ज़्यादा ये कूल प्लेस है. एकदम ठंडा. Place where we are having our lunch. It is rather late in the day, but we are still having lunch because we haven't eaten anything. And now we are going to eat some nice aloo butter and jeera tomato with dal fry. And tandoori roti. बताइए क्या बताते ढाबे के बारे में, कितना दूर पड़ता है इलाहाबाद से और जो कहाँ पे है. इलाहाबाद से ये तकरीबन काबिल तो 25 किलोमीटर पड़ता है. अच्छा ठीक है जी. और जो है ये कहाँ पे, ये वही जा रहा है ना एमपी चौराहा पड़ता है. अच्छा उसके
उसके बाद इलाहाबाद से 25 किलोमीटर पड़ता है। ये रहा हाईवे जिससे जा रहा है, यानी एच 30 है, NH30 है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा आपका जो है लग तो रहा है बहुत अच्छा। अब खा के देखने के कैसा है ये खाना। ठीक है, बार खा के देख लीजिए, उसके बाद अगर कुछ कंप्लेन होगा तो बताएंगे आप। ठीक है, बिल्कुल उसको सुधार लीजिएगा आप। बिल्कुल, जब तक आप खा के नहीं बताएंगे तो हम कहाँ से सुधार करेंगे। चलिए ठीक है सर, ओके।